स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में 7 संहिता और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी की भक्ति से संबंधित कथा, पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वो हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिसने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जान लिया वो शिव भक्त शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया। इसी के चलते काशी के कथावाचक विशंबर शास्त्री ने डेली इंसाइडर से खास बातचीत की और शिव पुराण के बारे में संक्षिप्त में बताया। तव दत्तम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। श्री मदाचार चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम मम। श्री मुकुंद गोपाल नालौ देतः श्रीमद् गुरुभ्यो नमः। ये जो शिव पुराण है यह सभी पुराणों का सारभूत है और इसमें भगवान शिव की जो दिव्य लीलाएं हैं वह सभी लीलाएं इसमें विद्यमान हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि यह साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। जो जो विशेषता भगवान शिव की है, शिव पूजन करने से, भगवान शिव के दर्शन करने से जो लाभ, जिस पुण्य की जो प्राप्ति अपने को होनी है, उसी पुण्य की प्राप्ति, उसी फल की जो प्राप्ति है वह हमें शिव पुराण के श्रवण करने से एवं शिव पुराण के दर्शन करने से प्राप्त होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। और शिव पुराण के महात्म्य में जैसे बताया कि यह शिव पुराण जितने भी पुराण हैं, 18 महापुराण और 18 अवपुराण, 18 उपपुराण, उसमें भी जो तामस पुराण जो आते हैं, जो पुराणों के जो भेद हैं, सात्विक राजस तामस, वह तामस पुराणों का ये तिलक स्वरूप है। यदि तामस पुराणों में देखा जाए, यदि किसी की प्रधानता है, यदि कोई सारे पुराणों का यदि कोई राजा स्वरूप से कोई है तो यह है शिव पुराण। ऐसे सात्विक पुराण में श्रीमद् भागवत जी को बताया, यह श्रीमद् भागवत जी जो है यह सभी सात्विक पुराणों का जो है तिलक है। उसी प्रकार तामस पुराणों का यदि कोई तिलक स्वरूप से कोई पुराण महापुराण विद्यमान है तो यह शिव पुराण प्राप्त होता है। इसमें जो है भगवान शिव के लिंगों की विशेषता, पार्थिव पूजन का क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषता ये बताया, बेलपत्र का क्या महत्व है, भस्म का क्या महत्व रहता है, रुद्राक्ष का क्या महत्व रहता है, किस प्रकार भगवान शिव का पूजन किया जाता है, वह सबका विस्तार पूर्वक बताया गया। सृष्टि का आरंभ कैसे भया, वह अनादि पुरुष परब्रह्म कौन है, शिव का स्वरूप किस प्रकार का है, ये सबका बड़े विस्तार से शिव पुराण के आरंभ से ही, विद्येश्वर संहिता से ही आरंभ करके यहाँ से आरंभ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है शिव पुराण के माध्यम से जो है अपने को ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान के माध्यम से वैराग की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होती, उसी भक्ति से जो है भगवान शिव अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। जिस अनुग्रह के माध्यम से भगवान शिव की कृपा से जो है हमें सर्वोच्च पद की प्राप्ति होती है। जो बड़े बड़े जो है योगी जन चाहते हैं कि हमें ऐसा पद प्राप्त हो जाए, महात्माओं की इच्छा होती है कि हमें इस पद की प्राप्ति हो जाए, वह जो सर्वोच्च पद है, तो वह सर्वोच्च पद किस प्रकार प्राप्त होगा, भगवान शिव के अनुग्रह करने से, कृपा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।